नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे हमीरपुर की खबर के साथ, जहां पर कोरोना काल में सरकारी राशन को ब्लॉक किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रोली में राशन भरकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है और ले जाते हुए कोटेदार को यहां पर देखा भी गया। गांव वालों की जानकारी पर रंगे हाथों कोटेदार को पकड़ लिया गया। सरकारी चावल और गेहूं की बोरिया मौके पर मौजूद। आपको बता दें, एसडीएम ने जांच के लिए अब सप्लाई इसको किया था। इंस्पेक्टर को भेजा मामला राठ तहसील के लिथोरा गांव का। तस्वीरें आपको दिखा रहे, ट्रैक्टर ट्रोली में राशन भरकर बेचने के लिए कोटेदार यहां पर ले जा रहा था, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। कालाबाजारी को लेकर यह मामला हमीरपुर से सामने आ रहा है, जहां पर कोरोना काल में सरकारी राशन को ब्लॉक किया जा रहा है। तो ट्रैक्टर ट्रोली में राशन भरकर कोटेदार बेचने के लिए ले जा रहा था, गांव वालों की जानकारी पर रंगे हाथ कोटेदार को पकड़ लिया गया। सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। धनंजय, पहले तो जिस तरीके से कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाशते इन लोगों की तस्वीर अलग अलग रूप में सामने आई, पहले ऑक्सीजन की कालाबाजारी, फिर इंजेक्शन की, और अब ये सरकारी राशन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहे बहुत ही चौंकाने वाला एक यहाँ पे मामला सामने आया है। हमीरपुर के लिधौरा गाँव का पूरा मामला है, जो की राठ तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पे गांव में गरीब लोगों को जहाँ पे खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ये जो कोटेदार हैं सरकारी राशन की भारी मात्रा में ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज यहाँ के ग्रामीणों ने कोटेदार जब ट्रैक्टर से माल गेहूं और चावल की बोरियां ब्लैक करने के लिए ले जा रहा था, उनको शक हुई। उन्होंने अधिकारियों को फोन करके रंगे हाथों माल को पकड़वा दिया है, जिस पे सरकारी मोहर भी लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, इस माल को पकड़वाने के घंटों बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पा रही है। और जब वहीं पूर्ति अधिकारी को फोन लगा रहे हैं तो पूर्ति अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। जी बिल्कुल धनंजय, ऐसे में अब पुलिस का क्या कुछ कहना है? गांव वालों ने जानकारी दी, कोटेदार को पकड़ लिया गया है, पूछताछ शुरू की गई है। जी यहीं पे सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है कि कोटेदार मौके से माल को फेंक के भाग गया है दुकान पर उतार के, प्राइवेट दुकान पर। और कोटेदार के घर पर पूर्ति अधिकारी गए और आधा घंटे लगभग कोटेदार के घर के अंदर बैठ के उनकी कोटेदार से कुछ बातचीत हुई। उसके बाद जब ग्रामीणों ने पूर्ति अधिकारी से शिकायत करनी चाही तो उन्होंने ग्रामीणों से बात नहीं की और अपनी गाड़ी पे बैठ के वापस लौट आए। और उसका वीडियो। धनंजय आपका तमाम जानकारी के लिए।